गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम विश्वनाथ फ्रॉम सीसीएस एकेडमी। आज हम अकाउंट सब्जेक्ट में अकाउंटिंग रेशियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाउ वी स्टार्ट अकाउंटिंग रेशियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियो? ए रेशियो इज सिंप्लीफाई वन नंबर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ अनदर। इट इज फाउंड बाई डिवाइडिंग वन नंबर इन टू अदर नोन एज रेशियो। एक नंबर का दूसरे नंबर से जब हम अर्थमेटिकल वे में कंपेरिजन करते हैं तो उसी को हम रेशियो एनालिसिस कहते हैं। ये अकाउंट और रेशियो का जब भी हमें कंपेरिजन करना होगा उसके लिए हमें दो डाटा की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि दो पॉपुलेशन, दो स्टेट के पॉपुलेशन के बीच अगर हम कंपेरिजन कर रहे हैं कि किस स्टेट का पॉपुलेशन बढ़ रहा है और किसका मैंने इंक्रीज़ हो रहा है, किसका डिक्रीज़ हो रहा है, तो वी मस्ट बी टू डाटा टाइप्स। नाउ वी डिस्कस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेशियो। देर आर फोर टाइप्स ऑफ रेशियो: लिक्विड रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज द लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो आर कैलकुलेट टू मेजर द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस। द टू इंक्लूड इन लाइव देर आर टू इंक्लूड इन लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में हम फर्म की लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करने की कैपेबिलिटी को देख कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें हम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सीखेंगे करंट रेशियो। व्हाट इज़ द मीन ऑफ करंट रेशियो? करंट रेशियो इज द प्रोपोर्शनेट ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लाइबिलिटीज़। वी कैलकुलेट करंट रेशियो टू यूज़ दिस फार्मूला। करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम इस फार्मूला का यूज़ करते हैं। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। नाउ वी डिस्क्राइब व्हाट इज़ द मीन ऑफ करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स क्या होता है उसके विषय में जान लेते हैं। विच एसेट्स कन्वर्ट इन टू कैश फॉर्म विद इन ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल इट्स नोन एज करंट एसेट्स। ऐसी एसेट्स जिसको हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर दें तो उसे हम करंट एसेट्स कहते हैं। नाउ गिव सम एग्जाम्पल विच इज़ रिलेटेड टू करंट एसेट्स। करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज एक्सक्लूडिंग स्टोर स्पेयर एंड लूज टूल्स, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, लेस प्रोविजन, कैश और कैश इक्विवेलेंट, ड्राफ्ट, चेक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म्स, लोन एंड एडवांस, अदर करेंट एसेट्स सच एज प्रीपेड एडवांस टैक्स, एक्रूड इनकम। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज द करेंट लाइबिलिटीज। विच लाइबिलिटीज पेड विद इन ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल इन टर्म इट्स नोन एज करंट लाइबिलिटीज। ऐसी लाइबिलिटीज जिसको एक साल के अंदर हमें पेमेंट करना था उसे हमें करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। नाउ गिव सम एग्जांपल व्हिच इज रिलेटेड टू करंट लाइबिलिटीज। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बोरोइंग मीन जस्ट लाइक ए लोन, बैंक ड्राफ्ट, बीपी, क्रेडिटर्स, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बोरोइंग, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन जस्ट लाइक प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड। इट्स एग्जाम्पल ऑफ करंट लाइबिलिटीज। अब हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इन्वेंट्री इज गिवन इज 50,000, ट्रेड रिसीवेबल 50,000, एडवांस टैक्स 40,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30,000, ट्रेड पेबल 1,00,000, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 4,000. First of all, we put the formula current ratio is equal to current assets upon current liabilities. Now we calculate current assets. अब इसमें हम देखेंगे कि current assets के items कौन कौन से हैं. Inventories, trade receivable, advance tax, cash and equivalents item. ये सब current assets के item हैं. इनको हम addition करेंगे तो 50,000 plus 50,000 plus 4,000 plus 30,000. इन सभी का addition हो गया 1,34,000. नाउ वी कैलकुलेट करंट लाइबिलिटीज़। इसमें आप देखेंगे करंट लाइबिलिटीज़ के कौन से आइटम हैं, ट्रेड पेबल प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बोथ आइटम रिलेटेड टू करंट लाइबिलिटीज़, दोनों को ऐड करेंगे 1,00,000 प्लस 4,000 टू 1,04,000। नाउ वी कैलकुलेट करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, 134 डिवाइडेड बाई 104,000। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 3,030 कैंसिल कर देंगे पहले, फिर 134
अपॉन 104 टू से डिवाइड करके 67 अपॉन 52 डिवाइड करके 1.28 बाई 1, इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं 1.29:1। नाउ करंट रेशियो आंसर इज, करंट रेशियो इज इक्वल टू 1.29:1। यहाँ पे कुछ कुछ फार्मूला इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि इस पर्टिकुलर को सॉल्व करने में यूज़ होता है, जैसे करंट एसेट्स इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल एसेट्स माइनस शेयर होल्डर फंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू टोटल डेब्ट्स माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। करंट एसेट्स इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज़, और करंट लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। अब हम नेक्स्ट रेशियो पे जाते हैं जिसको हम क्विक लिक्विड या एसिड टेस्ट रेशियो कहते हैं। नाम से ही लग रहा है कि क्विक का मतलब क्या, जिसे हम कितनी जल्दी फर्म का लायबिलिटीज पेमेंट कर सकते हैं। तो क्विक रेशियो कैलकुलेट करने का यह फॉर्मूला होता है, क्विक रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू कैलकुलेट लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस अदर करंट एसेट्स। जस्ट लाइक प्रीपेड एंड एडवांस टैक्स को डिडक्शन करके हम लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट कर लेंगे। एग्जाम्पल विच इज रिलेटेड टू क्विक रेशियो, कैलकुलेट क्विक रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। वर्किंग कैपिटल 2,50,000, टोटल डेब्ट्स 4,00,000, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स 3,20,000, इन्वेंट्री 2,00,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000। फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट द फॉर्मूला, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज। हाउ टू, तो सबसे पहले हम लोग करेंट एसेट्स कैलकुलेट कर लें। करेंट एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग कैपिटल प्लस करेंट लाइबिलिटीज को ऐड कर दें। 2,50,000 प्लस 80,000 दोनों टोटल हो गया 3,30,000। सो दिस इस प्रकार हमने करेंट एसेट्स को कैलकुलेट किया। अब हम क्विक एसेट्स कैलकुलेट कर लें। कैसे क्विक एसेट्स कैलकुलेट करेंगे, क्विक एसेट्स के लिए करंट एसेट्स में से हम इन्वेंट्री और प्रीपेड को रिड्यूस कर दें तो हमें क्विक एसेट्स मिल जाएगा 3,30,000 माइनस 2,00,000 माइनस 10,000। 3,30,000 माइनस 2,10,000 इक्वल टू 1,20,000। दिस इज द अमाउंट विच इज बिलोंग टू क्विक एसेट्स। नाउ करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल डेब्ट्स हमारा क्वेश्चन में गिवन है, उसमें से हम लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को माइनस कर देंगे तो हम अपने करंट लायबिलिटीज को कैलकुलेट कर लेंगे। 4,00,000 माइनस 3,20,000 इक्वल टू 80,000। सो 80,000 इज द करंट लायबिलिटीज। अब फॉर्मूला पुट करेंगे, क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स 1,20,000 अपॉन 80,000, इनको जब हम डिवाइड करेंगे 0,0 सारे कैंसिल हो जाएंगे तो 12/8, इसको 2 से डिवाइड करेंगे या 4 से, तो 4 से अगर करेंगे तो और 12 डिवाइडेड बाई 4 3, 8 डिवाइडेड बाई 4 2, 3 बाई 2, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1.5:1, तो क्विक रेशियो इज इक्वल टू 1.5:1। नाउ आई गिव सम क्वेश्चन विच इज बिलोंग टू बोथ द रेशियो। देर आर 6 क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जो इसी टॉपिक से बिलोंग कर रहा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट क्विक रेशियो, करंट एसेट्स गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है। सेकेंड क्वेश्चन में भी आप लोग देख लीजिए, करंट एसेट्स, करंट वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट लायबिलिटीज गिवन है। थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ, फाइव, तो 6 क्वेश्चन दिया जा रहा है जो इसी सेट से प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू वेरी मच।